नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी धर्मराज जी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज में विष्णु सेवक हरिदास और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक दिन पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए। एकादशी आद के व्रत नियमापूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इसी प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहाँ उसने देखा कि उस लोक के चार द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी का सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहाँ ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती का भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वहाँ कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं, कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा है, देवी, तुमने जब तक व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किए हैं। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्य का आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते जो महापुण्यदान मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में वापस भेजा दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूँ। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया, और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर गुणवती को आदर सहित कार्य किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।